Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have read about the different movements during 1919 and 1922 and most of them were led by Mahatma Gandhi. ज्यादा महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए, चाहे तो रोलेक सत्याग्रह था, उसके बाद हमने खिलाफत मूवमेंट देखा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा और किस प्रकार के मेजर उसके अंदर अपनाए गए थे इसके बारे में पढ़ा। अब हम पीपल्स इनिशिएटिव, लोगों ने किस प्रकार भागीदारी, क्या कुछ सोच के उसके अंदर भागीदारी ली, किस प्रकार उन्होंने शुरुआत की, तो इसमें क्या था कि जब महात्मा गांधी ने तो सब कम्युनिटीज को एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ करने का प्रयास खड़ा करने का प्रयास किया था, लेकिन हर जो ग्रुप था सोसाइटी का, हर वर्ग था, वो अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहा था, यानी गांधी जी के विचार को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था और उसमें किसी को फोकस किया गया बेसिकली देयर प्रॉब्लम्स की, उनकी जो समस्याओं का समाधान हो जाएगा, व्हाट आर प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आएगा। अब उसमें बात करें तो पीपल्स इनिशिएटिव कैसे था, अगर पीजेंट्स की बात करें, पीजेंट्स किसान वर्ग थे, जैसे हम गुजरात की बात करें तो उसमें खेड़ा जो जगह थी उसके अंदर देखा किसान आंदोलन चलाया गया था, जो पाटीदार वहां के महत्वपूर्ण जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किस लिए चलाया था, अगेंस्ट द हाई रेवेन्यूज, कि जो उनसे टैक्स वसूला जा रहा है उसकी दरें बहुत ज्यादा है, यानी ज्यादा अमाउंट में टैक्स वसूला जा रहा है, उसका सोल्यूशन किया जाए। उसके साथ साथ उनका मतलब महत्वपूर्ण तरीका क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लेने का, अपनी समस्याओं का समाधान करना, कि अगर हम इस प्रकार उनके सरकार के खिलाफ या किसानों के खिलाफ या जमींदारों के खिलाफ विद्रोह करेंगे तो हमारी रेवेन्यूज कम हो जाएंगी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई वो टैक्स कम कर दिए जाए। ट्राइबल ग्रुप्स की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल था, गुंटूर जिला है वहां का, तो ट्राइबल्स ने उन्होंने जो सत्याग्रह किया या फिर जो इस भाग लिया, किस प्रकार भाग लिया कि हमारी समस्याएं क्या थी, ब्रिटिश हैव रिस्ट्रिक्टेड सम देयर मूवमेंट इन द फॉरेस्ट, अंग्रेजों ने उनके फॉरेस्ट मूवमेंट पर रोक लगा ली थी, उनके ऊपर टैक्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर भी टैक्स बढ़ा दिए गए थे, रिजर्व कर दिया गया था फॉरेस्ट को, तो उसके खिलाफ की उनका समस्या का समाधान हो जाएगा, दे विल गेट द राइट बैक टू देयर फॉरेस्ट, उनको अपने वनों पर अधिकार वापस मिल जाएगा, इसलिए आंदोलन कर रहे थे। इन्होंने तरीका कौन सा अपनाया कि इन्होंने बिना परमिशन के, अंग्रेजों ने रिजर्व तो कर रखे थे, अपने जानवर वहां चलाने के लिए भेजे और कोई टैक्स वगैरह पे करना बंद कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर क्या था कि जो गुरुद्वारे थे उनके अंदर जो लोग बैठे थे महंत के तौर पर, जिनको कि अंग्रेजों के द्वारा सपोर्ट किया गया था, वो क्या करते भ्रष्ट थे, जैसे कोई चढ़ावा वगैरह जो भी डोनेशन दी गई तो उनको खुद के लिए उपयोग करना, तो वहां अकाली ग्रुप बनाए, वो किसके लिए, इसी प्रकार गांधी जी से प्रभावित होकर इस प्रकार आंदोलन चलाया, इसलिए कि वो करप्ट महंत उनको वहां से हटाया जाए गुरुद्वारों से। उसी प्रकार अगर हम बात करें फिर असम के अंदर जो टी प्लांटेशन होता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो टी प्लांटेशन होता था, तो टी प्लांटेशन के अंदर वर्कर्स ने भी इसी प्रकार सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनकी डिमांड क्या थी, वो चाहते थे जो उनकी वेजेस हैं वो बढ़ाई जाएं और उनको वहां कंसंट्रेट कर दिया जाता था, दे कांट कम आउट फ्रॉम देयर, वहां से प्लांटेशन साइट से वो बाहर नहीं आ सकते थे, तो वो वहां से आजाद हो जाएंगे, उनकी वेजेस बढ़ा दी जाएंगे, वहां काम करें तो उनकी वेजेस बढ़ाई जाएंगी, यानी हर व्यक्ति ने, हर ग्रुप ने अपने प्रकार से इंटरप्रेट किया गांधी जी के विचारों को, कि किस प्रकार सत्याग्रह है, सत्याग्रह का मकसद क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मकसद क्या है, इन समस्याओं से छुटकारा पाना। अब लोगों ने गांधी जी को मसीहा के तौर पर दिखाया, यानी गांधी जी को अपना मसीहा या जो सारे दुख तकलीफ गरीबी को कम कर देगा उसके तौर पर महात्मा गांधी जी को देखा। उसी में एक एग्जांपल है कि लोग खुद इनिशिएटिव लेते उसका परिणाम निकलता पॉजिटिव आता तो क्रेडिट किसको देते, महात्मा गांधी जी को देते। उसमें एक एग्जांपल दे रखा है उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है, वहां वो इलीगल इविक्शन ऑफ द टेनेंट्स, यानी किसान किसी व्यक्ति को एक पार्टिकुलर समय के लिए आपने दे दी कि आप यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, उसको समय दिया आपने 6 महीने का या 12 महीने का, लेकिन उसको आपने बीच में 2 महीने के बाद ही निकाल दिया उस खेत से कि आप नहीं यहाँ प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उसने फसल उगा दी उसके बाद कब्जा आपने कर लिया, तो इलीगल इविक्शन जबरदस्ती इनको गलत तरीके से निकाला जाता था, उसके खिलाफ आंदोलन किया प्रतापगढ़ में और अल्टीमेटली द जमींदार्स वर फोर्स्ड टू कीप दैट पर्टिकुलर फार्मर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको मजबूरी में रखना पड़ा इस विरोध के बाद। तो क्रेडिट किसको दिया गया कि दिस इज ड्यू टू द महात्मा गांधी एफर्ट, इसे महात्मा गांधी के प्रयासों से हो रहा है, तो महात्मा गांधी को एक मास लीडर बनते चले गए और लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान महात्मा गांधी के अनुसार दिखाई देने लगा। हालांकि नॉन वायलेंट मेथड में विश्वास करते थे और नॉन वायलेंट तरीके से भी बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी थी कि जिस चीज को ये कंफर्म नहीं करती, जिसको ये नहीं मानते थे, उसके अलावा वायलेंट मेथड से भी विरोध किया गया। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ये सारे जो आंदोलन चलाए गए इन सब का क्या कुछ इफेक्ट पड़ा हमारे नेशनल जो मूवमेंट थे इनके ऊपर और हमारे देश की आगे की प्रगति पर और हमारे फ्रीडम मूवमेंट किस प्रकार इसमें मोमेंटम मिला, गति मिली।
If you have doubt, then you can ask. Thank you, have a nice day.